ਲੜਦੇ ਤੂਫਾਨ ਤੇ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆ ਕਦੀ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾ ਵਾਪਸ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਚਾਲਾਕ ਹੋਵੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚਾਂਸਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੱਥਕੜੀ ਲਾਵੇ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚ ਲੈ ਵੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕਿ ਸਾਰੰਗ ਦਾ ਇੰਤਕਾਮ ਬੜੇ ਇਬਰਤਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰੋ ਇਸ ਥੱਪੜ ਦੀ ਗੂੰਜ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜੇਲ ਦਾ ਅਲਾਰਮ ਬਣ ਗਈ ਉਸ ਦਿਨ तेरे पूरे खानदान का निशान मिट जाएगा इंस्पेक्टर निशान मिट जाएगा Woo!
तेरा बेड़ा तर जाए, तुसी ते मेरी जान कर ली, तुम ही बच्चे नाल बची हो जानी है सलमा। होर की करा भाई जान, जिद कर देने ते इनकार करन नू हौसला नहीं पैंदा। ममता ते ना मासूमा को तकदीर ने खो ली है, शफकत फर्ज दे हथों मजबूर हो के ज्यादा वक्त नहीं दे सकती। मैनू मां बहन के लोरियां देन दा वल ते नहीं आंदा, पर फुफी बन के अथरू ते पूंज सकनी आ। कभी कभी तेरे रूप वेखे तेनू रब दा रूप कहते जी करता है भाई जान। इन्हें इन्ना प्यार न दे सलमा जरा मेरे लिए परेशानी का बहस बन जाए। वो तेरे सोहरे ने दिन मंगले ने, तेरे जान तो बाद एक बारी फिर मां तो महरूम हो जाएंगे। नहीं भाई जान, नहीं, मैं उन्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। चली ना हो रही थी, ये भी कभी होया तो अब हम मंग मंग के प्रामा दे आया पीछे दिन आन देने। तेरी टोली न ठोरी ते लोकी मैनु खुदगर्ज कहन गए, खुदगर्ज कहन गए। ते फिर आमिर ते रूबी का की बनेगा? आसिफों को इन्होंने भी बोर्डिंग में दाखिल करा देंगा। वो मासूम भी तो साढ़े बगैर कई कई दिन गुजार ही लेंदा है। हाँ सलमा, मैनू याद ही नहीं रहा, मैं तेरे वास्ते कुछ कपड़े से गहने ले आया हुआ, वेख के पसंद कर ले। आ मैनू सारंग कहते ने, सारंग कानून देश महाफिज नू परवेज अली खान कहते ने। कानून दे खात्या तेरिया उन्निया हाजरिया नहीं जिन्हें मेरे जुर्म दर्ज ने। वे फिर तेरे जुर्म का खाता हमेशा लाई बंद हो जाएगा। बोलिए बच के निकल गए ने, उन्हें पीछा करो। Thank you.
संगी नाग नागा का बादशाह चोगियां की पोथी च इनू शीश नागा का सरदार कहते ने जिमें मैं थोड़ा सरदार हाँ। असी सुने सरदार कोई जोगी तो कोई सन्यासी अज तक इसके डंग का इलाज नहीं लग सकिया। ठीक सुने ताड़े चो कोई जोगी भी अगे वध के एदा डंग खा लवे मैं एदा सहर चूस के ये साबित कर देंगा कि इस दुनिया च मेरे तो वड्डा कोई जोगी नहीं। कुदरत ने मासूम दी सूरत च मैनू पुत्र दे दिता है। इहनू तू अपना पुत्र बनाना है तेनू मेरे हवाले कर दे। जे संगी दे कंग को बच गया तो हमेशा ले तेरा पुत्र बना देंगा। इधर लिया नहीं सरदार नहीं जुलम है सरदार सरदार ये जुलम है। जुलम की कुख चाहे सयासी का सुख जन्म लंदा मूर्खा। Thank you.
मैं इश्क दा मंत्र पढ़ के हनी मैं इश्क दा मंत्र पढ़ के ते ले जाना तेनू घेर के ते ले जाना तेनू घेर के सुन नागने तेरा कोई ना सुन ना गने आशिकां दे दिल फुकदी सुन ना गने भक्तो वो भक्तो गल सुनो दे अब्बा ओए चिट्टी छेती भी हुंदा है तू चिन्नो नु लैके तो निकल जा मैं मालू कोलो बच्चा खोके तुहानू काले टिब्बे ते मिलांगा बच्चा खोके हाँ वो बच्चा शंगी का डंग खा के ऐसे ने पारस बन चुके हैं ते जिदे कोल पारस होवे ओदे कच सोने दे ढेर लग जाते ने पता नहीं छन्नो दे अब्बा मर के भी मिट्टी का ढेर नसीब होना है कि नहीं होना नसीबा ना कर बक्तो वो जो कहना ओदे ते अमल कर तू की जाने मेरी सारी उम्र की मेहनत का सिला उस बच्चे के रूप च मिल रहा है जिस दिन उस बच्चे दे सावा जो सप दी शुकर आ गई दुनिया का एक ताकतवर इंसान बन जाएगा ते मैं उसकी ताकत की दौलत बना के अपनी चोली भर लांगा इन्ना लालच न कर छन्नो दे अब्बा एक दिन पल्ला चाड़ के हर किसी ने इस दुनिया तो खाली हाथ टूट जाना भक्तो कुड़ी नु लैके तू निकल वाली गल कर
ते मैं मालू दा घुट भर के तुहाडे पिछे पहुंचना। हाँ नहीं चाहता, मुझे सारंग की गिरफ्तारी और प्रवेदनी के बच्चों की बरामदगी चाहिए। सारंग की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापे मारे जा रहे हैं सर। नतीजा कुछ भी नहीं। मैं पूछता हूँ बच्चे कहाँ हैं? सर हमने शहर का चप्पा चप्पा छान मारा मगर उन मासूमों के बारे में अभी तक मालूम नहीं हुआ। इस मासूम के सवाल का जवाब कौन देगा जो अपनी बर्बादी का मातम कर रहा है? तनु मेरे सवाल का जवाब दे दी कोई लोड़ नहीं साहब बहादुर। ओ मेरे पैन पुराने कानून दे कुछ नहीं लग दे मैं इन वापिस लब लाऊंगा। नहीं साहब बहादुर मैं जा रहा ते उस दिन वापस आऊंगा जिस दिन मेरे पैरों में सारंग की लाश ते हाथों में पैन प्रा दे हाथ होंगे। देख वीरा मेरी गड्डी के में छिक पे कर दिए। उस बच्चे के सामने जो सब की शुक्र आ गई दुनिया का ताकतवर इंसान बन जाएगा। की होया भक्तो? चन्नू दे अप्पा रावल ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਰਾਵਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਤਾਕਤ ਆ ਗਈ ਜਿਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ। ਆਹ ਰਾਵਲ मैं ते सिर्फ पिंजरे दा शेर हां। सच आखे चौधरी रावल वर्गे शेर मावा कदे कदे जमदिया ने। ओए मावा नहीं जमदिया मेरे वर्गे प्यू पाल के जवान करते ने।
आज तो बाद तुहाडे कोलों कोई बदमाश गुंडा टैक्स वसूल नहीं करेगा। मेहरबानी, एलो फिर। और जे रावल दी तुहानूं फिर लोड़ पई ना तो तूफान बन के तुहाडे कोल पहुंच जाएगा। मुबारक होवे बस्तो, मुबारक होवे। तुहाडे वक्त चाल पे ने और रावल ऐ शहर दा सब तो वड्डा बदमाश बन गया। तो हूं दौलती साढ़े ते बारिश होवेगी बस्तो, बारिश होवेगी। बारिश की चीज सदा सब कुछ रोड़ के ले जाएगी। एक ही भी कहनी है जो एक मान कहना चाहिए। तू अभी मां नहीं तो होर कौन? सिर्फ मेरी बीवी। मां सदा रुतबा किए पूछा। सिर्फ इना याद रख ले पत्तो कि तेरी कोख ने उन्हें जन्म नहीं दिता। सजा का खून देखे तो नहीं जवान किया ना। और पालन का मुल मैं बटांगा। मैं नहीं हो तू मेरी जिद ने चंगी तरह जानती है। मैं जो कहना वो कर गुजरना। रावल मेरी सोचा ना शीश नागे जिदे पैर एक दौलत के अंबार लगे हुए ने। मैं ओरी ताकत का मुल वड्डा वड्डा शहर का सब तो वड्डा सरमायादार बन जाता। वाह सोचा ने पुत्रों के सामा के नाल खा लेंगे ने। तो कहो जा प्यो है जिन्हें पुत्र के छावान की कीमत वसूल करने की सौ खा ली है। किधरे वो ना हो किसी दिन दौलत के लालच धी की जवानी का मुल वट लवे। कान खोल के सुन ले। जे कभी भी तुसा इस राज नु खोलने की कोशिश की थी, ते मैं रावत की जिंदगी ना खेड़ जाऊंगा। हेलो मैं ए पुत्र तू ले जा। अल्लाह तुम सलामत रखे सेठ साहब। बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह। सर जी तुम्हारा फोन आया। तू ये सामान नहीं चवन दे, मैं फोन सुन के आना। हेलो स्पीकिंग। वालेकुम सलाम। की मतलब तेरा ख्याल है तेरा दिमाग खराब हो गया। मैं कुछ रहा नहीं चाहता। किधर फोन थी? तेरे लाडले दा साहबजादे ने मुलाजमत कर ली। ऐसी तरह जो बकवास उन्हें की थी, करोड़ों की जायदाद के लखा का बिजट टुकड़ा के पुलिस से मैच नहीं पाती हो गया। वो भी एक मामूली सिपाही। तानू खुले का लग गया होना सरदार। सिपाही भर्ती होने वास्ते आना कानून की क्या जरूरत थी? ये सवाल मेरे नाल करन की बजाय उस नलायक नाल करे जिन्हों तेरे लाड प्यार ने अपने बेटे की पहचान बुला दी थी। लोकी की कहेंगे प्यो हजारा मजदूरों को तनख्वाह देता है, पुत्र हजार रुपए तनख्वाह से भर्ती हो गया। कार आवे तो उन्होंने समझा देवे, कल तक रिजाइन दे देवे, नहीं तो मेरे तो बुरा कोई नहीं होगा। पता नहीं उन्हें कदम की सोच के उठाया। हैरत इस बात की है कि तुम चाहते तो हमारे डिपार्टमेंट पर डायरेक्ट एसपी भर्ती हो सकते थे, फिर कांस्टेबल भर्ती होने की जरूरत क्यों महसूस हुई? सर मैं मुजरिम में जुर्म खत्म करने का आज़म लेकर आया हूँ, और जुर्म उस वक्त तक खत्म नहीं हो सकता जब तक उसके बुनियादी पहलुओं को करीब से नहीं देखा जाता। और मेरे नजदीक जुर्म को करीब से देखने के लिए मेरा कांस्टेबल बनना बहुत जरूरी था सर। शाबाश, तुम्हारे शौक और जज्बा देखकर मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे महकमे की तारीख में एक नए बाप का इजाफा हुआ है। सर मैं सिर्फ इतना कह सकूंगा कि आप जैसे शफीक ऑफिसर की रहनुमाई के बगैर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। हमारी नेक तमन्नाएं तुम्हारे साथ रहेगी। तुम अपना कोर्स मुकम्मल कर चुके हो, इसलिए हम तुम्हारी पोस्टिंग ऐसे इलाके में कर रहे हैं जहां से तुम जुर्म और मुजरिम दोनों को करीब से देख सकोगे। Come on, 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 come on
ਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਨਾਗੂ ਬਦਮਾਸ਼ ਆ ਗਏ ਸੰਤਰੀ ਇਹ ਨਾਗੂ ਕੌਣ ਹੈ ਨਾਗੂ ਉਸ ਬਦਮਾਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸੰਤਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ कह रही है पुड़िए जो तू सुने नागू नु पता लग गया ते क्यामत आ जाएगी क्यामत इस तू बड़ी और केड़ी क्यामत होवेगी मां तेज दे पैरा च कुंगलू पवा के ओनु तुआर से बना देते ही ते हुन तमाश बिना ते दरवाजे बंद करनी है मैं कहनी है दरवाजा खोल अक्कल नु हाथ मार पुड़िए नागू कोई मामूली आदमी नहीं बड़ा वड्डा बदमाश है बदमाश ते दुआ मांग मां मैं दरवाजा खोला ते ओ सामने खलोता होवे ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਚਾਪ ਸੁਲਕੇ ਖੋਲੀ ਯਾ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਨਾ ਫਰਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸੁਰਤੇ ਨਾਗੂ ਬਦਮਾਸ਼ ਆ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਦੀ ਸੂਰਤ ਕੋਲੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਆਸ਼ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੰਜਰੀਏ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਗੂ ਬਦਮਾਸ਼ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਵੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ ਕੀ ਖਲੋਣਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕੰਜਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿਆਮਤ ਖਲੋਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਹੀ ਕੁੰਗਰੂ ਪਾ ਲੈ ਤੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਨੱਚਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਸਾਹ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਕੁੰਗਰੂ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਹਸਰਤ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਨਾਗੂ ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈ ਨਾਗੂ ਦਾ ਹੱਥ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਵਾਰ ਟੱਕਣ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਈ ਨਾਗਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਵੇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਲਡਾ ਹੋਏ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹਯਾਤੀ ਦਾ ਰੁੱਖ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿਆਂਗਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹੇਗੀ ਤੇ ਗੁੱਤ ਫੁੱਟ ਕੇ ਹੱਥ ਚ ਫੜਾ ਦੇਵਾਂਗੀ ਜਿੱਦ ਨਾ ਕਰ ਕੁੜੀਏ ਅੰਜੋ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਘਰ ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਧੋ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਧੋਬੀ ਘਾਟ ਅੰਜੋ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਹੈ ਚਾਚਾ ਆਹੋ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਕਿਉਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮਾਸੀ ਪਈ ਆਖਣੀ ਏ ਜੇ ਉਹ ਆ ਗਈ ਤੇਰੀ ਬੋਲਤੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਗੀ ਬੜੀ ਆਫਰ ਆਫਰ ਪੈਣ ਡਈ ਏ ਸਾਰੀ ਆਫਰ ਕੱਢ ਦੇਗੀ ਤੇਰੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਨ ਟੁੱਟੀ ਆਵੇ ਤੂੰ ਵੇਖ ਲਾਂਗੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੂੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਸ਼ਕੇ ਭਈ ਅਸ਼ਕੇ ਅੰਜੋ ਨਾ
नाल मथा लान वाली भी कोई जम पइए मथा ते मैं हो जे लावांगी कि तेरियां आन वालियां सब पुश्ता याद रखन गियां वाह क्या बात है कलेजे ठंड पा दी सोनिए हथा विच हाथ पावेंगी ते पुराने कपड़े वांगू निचोड़ के लीरा लीरा कर देंगी ने मेरा पीड़ हिला देता है और मेरी धी है कि अनोखी दी धी है ओ जान दे सुनजो एदे नाल इतनी बड़ी है जे बंदे दी पुत्र होई ते कन विच पाया ने दुखेगी ते फिर इस मुश्तंडी नु दस शिदा एथों दी गुंडी मैं हैगी हां मैं ओ होश कर कुड़िए होश कर ओए मैं तेरा पियो हां कोई जग्गा अटारी वाला नहीं ऐ क्यों बुड्ढे डैम मेरी मुछा रोलन लगी है ओहो अबा जिंदा ही और रह सकता है जिद्दिया बावा इन जोर होवे आशिदा चलिए सुन ले आई गल ते ठीक है गई है ओ रब खैर करे ओ जदों दी जवान हुई है ओ लोकां दा साह लेना औखा कर देता है Thank you.
हराम ज्यादा इंज खलोता है जिम्मे इंग्लिश फिल्म काबू आया होता है। कौन है तू? प्यू। अच्छा बाजी, पर असी ते खास हराम दिया साडे सिर ते जिन्हें भी हथ रखिया प्यू बनने की कोशिश की थी। असी फौरन अपने आप नूं यतीम कर देने। अज तुसी यतीम नहीं होवोगे, मैं बे औलाद होवांगा। जुर्मा की तारीख च यह हादसा अज तक पेश नहीं आया कि पुलिस उसके माल का ताकुब करे। जरूर साढ़े ग्रोह च कोई मुखबर मौजूद है। मुखबर? ये मुखबर चालाक होने के बावजूद बड़ा ही बेवकूफ है। वो ये नहीं जानता कि सारंग हर वेले अपने दुश्मना तो बाखबर रहता है। ये सारे तो साढ़े पुराने वफादार ने सर, वो नवा गद्दार कौन है? वो बेगैरत हुणे ही तेरे सामने बेनकाब हो जाएगा। साडा माल कब्जे च करके अपनी जिंदगी दे साथ साडे कब्जे च कर दिते ने। मेरी इतला दे मुताबिक बाजीगरां दी बस्ती दा बेताज बादशाह ते शहर दे सब तो वड्डे रईस सेठ दाऊद दा पुराना दुश्मन है। ए दाऊद? यस सर, सेठ दाऊद ने बस्ती दी जमीन 5 करोड़ च खरीद के केमिकल फैक्ट्री बनान दा मनसूबा बनाया है। वो जदों भी उस बस्ती से कब्जा करन जांदा है, सांदल
उसके रस्ते का पहाड़ बन जाता है। तुम्हारी नाराजगी बजाय डैडी, पर मेरे भी कुछ जज्बात नहीं। तेरे जज्बात की खातिर मैं अपना वकार दाते नहीं ला सकता। चलो ये वर्दी उतारनी पवेगी। इस वर्दी के वकार की खातिर मैं अपना सब कुछ कुर्बान करने का हलफ उठा चुके हैं डैडी। इस सिर से तन तो जुदा हो सकता है पर वर्दी नहीं। तेनू पढ़ा लिखा के जवान करन दा ए मतलब नहीं जावेद कि तू मनमानिया करदा फिरे। मनमानी नहीं, मेरा शौक है अम्मी जान। शौक नहीं, तेरी जिद है जावेद, तेरी मैनू बदनाम कर रही है। तू किसी अरे गहरे दा नहीं, एक शरीफ ते इज्जतदार बाप दा बेटा है। जिदा माशरी चकाला मकाम एक वक्री हैसियत। मैं कोई जुर्म नहीं किया डैडी, जुर्मा नु खत्म करन दा अहद किया। Thank you.
कोई काम दिया परियां जन्नत दिया हूरा है पापा दिया शहजादियां खां तुसी कौन हो असी तो बनावा तो भी कार तो आया वा ते बस्ती वाल चलिया वा फिर ते कम मर गया पहले सानू तो लो मेरा मतलब है हुण ते असी तुहाडा रास्ता रोक लिया है हुण तुसी किस तरह जाओगे तूफान अपना रास्ता आप बनांदा है बेगैरता ओए एडा अतरा तूफान जिंदगी च पहली बारी वेखी है हाय जी करदा है तीला तीला पड़ के उड़ जावा तीला तीला नहीं मैं तेनो तोंबा तोंबा करके उड़ा देंगी हाय फिर उड़ा दो जल्दी करो शुक्रिया दी कोई लोड़ नहीं तू जा सकनी अपने मौसम दे जख्मा च खून वगदियां वेखे किवें जा सकनी मैं उहदे जख्मा दा आदी हो चुक्या हां मैनू तेरी हमदर्दी दी कोई जरूरत नहीं ते फिर हमदर्दी क्यों कीती साई कदी कदी अंदर दा इंसान मजबूर कर देंदा है दुनिया का सताया हुआ मालूम होता है मालूम होता है आज फिर सांदल ने मुजरमान का राह डकिया पता नहीं कानून के दुश्मनों नाल इसकी की दुश्मनी है वो ये इस दुख में सिर्फ बख्शू लुहार ही जानता है जिन्हें निके जे पुत्र बना के ताकत का पहाड़ बना दिता है आज फिर किसी मुजरम का राह डकिया मैं उदों तक राह डकता रहा चाचा
जब तक मैनू मेरे दुश्मन नहीं मिल जाते। मुजरमान लगता त्वचा रहना है, कभी सोचे जे तेन कुछ हो गया तो मेरा की बनेगा? हाँ मैनु कुछ नहीं होता चाचा साजल। ताड़े चो सांदल कौन है? वो मैं क्यों नहीं चाह क्यों नहीं दे दे सोनियो? ताड़े सामने कोई मामूली शह नहीं, इस पूरे इलाके का इंचार्ज। जोर तो लगे है, दहशत खान खलोता हुआ है। तो सा सांदल लो की कहना इंस्पेक्टर साहब? इतला मिली है क्यों बस्ता जीन का बहुत बड़ा बदमाश है? हाँ सुने किसे बदमाश थे मुजरिम नु सिर नहीं चुकन देना। मेरा ख्याल है कि तू थानेदार नहीं जरूर को बैरूपिया है। कौन है तू? तेरा बेड़ा तर जाए जो हर वक्त कोई ना कोई शरारत करती रहनी है। हुन तू बालड़ी नहीं रही, जान हो गई है तीरा नहीं। जे पुलिस वाले नु पता लग गया ना मैं कुछ नहीं जानता। ओए इंस्पेक्टर साहब का हुक्म है। ओए हवालदार जी जवाब मैं खाक देवा, ताडे सामने सारे कपड़े फोल मारे ने, और वर्दी किधरे होंदी ते नजर ना आ जांदी। ऐसा मतलब है होया कि तू वर्दी गायब कर ली है? हवालदार जी क्या तुहाडा कुजे वर्गा मुंह है? वो मैं वर्दी गायब करके कोई थानेदार बनना है और रहना तो मैं धोबी का धोबी है ना। ए वेख रे मैं ऐसी की मतलब पड़िया गया? और मेरी गल सुन लो, बहुत ही मस्तियां ना कर बुढ़िया, कन खोल के सुन ले। ये वर्दी ना मिली साहब और आदि तो मैं प्यो देव ने बन गया जवाना। खबरदार है सलाम सर। शट अप, तेनू मेरे प्यो मेरा मतलब है बुजुर्गा वर्गे प्यो दे सामने उच्चा बोलन की जरूरत किवें होगी? फिक्र ना करो बुजुर्गो, मैं इन गुस्ताखी की सजा जरूर देवगा। तुसी यकीन करो सर मैं कोई गुस्ताखी नहीं की थी, इन्हें इलाका इंचार्ज साहब की वर्दी गायब कर ली है। चुप कर आए तो गौर ना देख कितने ओ वर्दी ऐसी नहीं। तुसी ते मजाक पे कर दो सर, ऐसे थोड़ी अपनी वर्दी है, रब तुहानू नसीब करे। वेरी गुड वेरी गुड, यू आर फाइन यू आर फाइन। देखिए बुजुर्गो पहचाने आसान कम नहीं हैगा। यस सर तुसी ठीक फरमाते हो। खामोश, तू अपने पेशे की तोहीन की अब तक गया? चीन से कर दे तेरी ए वर्दी ला के तेन हमेशा लिए तोबी बना दिया। लेकिन नहीं, नो नो नो, मैं ऐसा नहीं करांगा। तू अपने इंस्पेक्टर जाके कह दे मैं कल ओदी वर्दी तो के आप थाने से लेके आवांगी। हूं तू जा सकने। हवालदार जी अपना नाला दे बनो। वेखे अब्बा कैसा काम बखाया है। कैसा काम बखाया? तू दो तीन यहो जा काम होर बखा देते ना ते लोकी मेरा जुलूस कर देंगे, मेनू रोड़े मारनगे। ते सोच चंगा है अब्बा, लोकी ऐसे ही हाज कर लेंगे। ओए अगर नु हाथ मार रब दा वास्ता ही तू मेरी नहीं ना ते अपने अब्बे दी बन जा। अब्बे दी तेरा ते अब्बा ही नहीं। वाह मैनु भी बेदखल करता है। ओए अंजो ओए अन्ना ते सोच के तू ती दा ताने ती दा ताने। मैं ती दा ताने नहीं अब्बा, मैं तेरा पुत्र हां पुत्र। ते फिर ते तू बहुत बद्दा पुत्र है। ले भी तेरियां शरारतां बंद करन दा हुण इक वाहद तरीका रह जे। ओ के अब्बा तेरे हाथ पीले करके तेनू डोली च पा के ते विद्या कर दे।
कोई मुंडा देखी है बा? होश कर कुड़िए, किड्डी काली है तू। वैसे सांडल दे बारे च तेरा की ख्याल है? सांडल thank you.
तेनू सोचना चाहिए। मैं तेरा मतलब नहीं समझी। अंजो, मैं उस गड दा बल्द नहीं जिदे तू मैनू जोड़ना चाहनी। सांदल, जे मैनू तेरा प्यार ना मिलिया ना ते मैं मर जांगी। ते जे मेरा दुश्मन ना मरिया ते सांदल भी ते मर जाएगा। अल्लाह ना करे। जे बंदा कुछ ना करे ते रब भी कुछ नहीं करदा। ये भगवान की हकीकत है। इंसान नहीं, ताकत का पहाड़, दिल को एक खास का चित। हियर इज द पॉइंट सर, व्हाट द पॉइंट। जदो तिकर ए इंसानी मौजूद है, ए शैतानी खोपड़ी मौजूद है, जब जान शरीफ लोगों को बरखलान का अमल जारी रखेगा। मतलब दिगर कर, सांदल सेठ दाऊद का दुश्मन से सारा इंतकाम है। सेठ दाऊद पत्ती का कब्जा से सानू संग सांदल का सिर चाहता है। कब्जा कावन लवेगा से सेठ को मुआवजा असी कब्जे के दौरान कतल शामिल होगा। ते कानून दिया नजर कातिल मंसूबा काफी मजबूत कि सेठ की शराबत आड़े आई तो फिर नो प्रॉब्लम। जब तक मैं मौजूदा उतो शीशे जो उतारना मैं चंगी तरह जान लूंगा। पता नहीं कितों की होया बलखुदार। ए पूछो की नहीं होया और पैरा हेठो जमीन निकल गई। अखाई तारे नचन लग पे ने इंज लगता है जिन्हें कोई भुलेखा हकीकत बन के सामने आ गया है। ओए तुसी तुसी हो? आओ बलखुदार। मैं ही हाँ। मेरा मतलब है तुसी वाकई सेठ दाऊद हो? मैं तेरा मतलब नहीं समझा। समझन समझान ले ते तुहाडी खिदमत च हाजिर होया सेठ साहब। स्याले कहंदे ने कि दुश्मन दा दुश्मन अपना दोस्त होंदा है। गलत जगह ते आ गया बरखुदार। मेरा कोई दुश्मन नहीं, मैं सब दा दोस्त हां। बाजी गरा दी बस्ती दा बदमाश सांदल दे बारे तुहाडा की ख्याल है? तेरा सांदल की वास्ता है? मेरा वास्ता उस जमीन नाल है जिदी तुसी करोड़ों रुपए कीमत अदा करके भी कब्जा नहीं कर सके। तुसी चाहो ते उस जमीन तुहाडे कब्जे च आ सकती है। तू किसे कानूनी अदारे दा ऑफिसर लगा है? मैं जराइम की दुनिया का मुगले आजम। जनाब मुगले आजम साहब, मैं किसी किस्म की गुंडागर्दी नाल ताल्लुक नहीं रखना चाहता। अपने हक की खातिर सब कुछ जायज है सेठ साहब। मैं वादा करना तुहाडे ते कोई हर्फ नहीं आएगा। ओ किस तरह? जबरान जबड़ा फाड़ ओ बिलडोजरे जितनों भी लंगे बस्तियां दिया बस्तियां उजाड़ देता है। जत्याल तेरा है बुजुर्ग? तू कौन है? मैंने जबरान और जबड़ा पार कहते हैं। कहते हो मुंह चुप के अंदर की लहर आया। मैं तेरा जबड़ा खरीद नहीं आया। असल
जरूरतमंद दीवाना होता है, इसलिए मैं तेरे दरवाजे से टक टक भूल गया। सॉरी, मकसद की गल कर। मकसद की गल है कि बाजी करा की बत्ती खाली करानी है। काबज कौन है? काबज नहीं, उस बस्ती का माफिज सांडल शेर। सांडल? इसका मतलब है कि रावण ने शेर का शिकार करना पड़ेगा। वो मंगी रकम अदा करेगा। बयाने की रकम देख के असल रकम का पे अंदाजा हो जाएगा। पूरे 50,000 में बस्ती खाली कराने तो बाद दिन आएगा। कल का सूर्य डुबन तो पहले बाजीगरां की बस्ती खाली होगी। लुहारा वेखना की है, सानू बस्ती का कब्जा चाहिए। कब्जा? बस्ती का कब्जा इन्ना आसान नहीं जिन्ना तुसी समझ के आ गए हो। ओए बुढ़िया, जबरान जबरे पार नू नहीं जानता। ओए तू माना दे रस्ते रेत दिया कंधा नहीं ढक सकिया। हट जा बुढ़े। ओए ताजे सामने रेत की कंध नहीं, लोहे का पहाड़ खलोता है। लुहारा, बारूद की अग नाले लोया असी हमेशा ले पानी पानी कर देंगे। हां, पानी सिर तो लंघ गया, नक नक डूब जाओगे। बुजुर्ग ते हाथ चुके बड़ी ताकत का मुजहरा किया। आफरी ने तेरे ते। आफरी ने तेरे ते। ते लाना ते मेरे ते। ओए, ओ रावल दे गला जनाबी ए होई तो बने जिदी तू इज्जत बचाई सी, ते आज आज ए दुश्मन बनकर तेरे सामने खलो गई है। तू ठीक कह रहे, वे दुख भी ऐसे गलत है जिन्हों मौसम के रूप वेख्या, आज जालिम के रूप वेखे पहचान कर गई। तो फिर इन्ना याद रखी तो बने, ए शहर का नामी ग्रामी बदमाश रावल है। रावल ए कदम अगे वजन तो पिछे कदी नहीं आते। हां, ए कदम अगे वधे ते रब दी साफ ए वजूद नाल ही नहीं रहन दिया। तो बने बकवास बन कर नहीं। बस्ती दे सारे कुत्ते मैं मार दिते ने। ओए तुसी कित्थों आ गए हो? ओए शेर तार दे होंदे ने, तेरे वांगो भौंके नहीं। Yeah.
चाचा रावण करो भाई काम करो कह गए भगत कबीर कम कर करके लको रह गए बदली ना तकदीर अंजो सांदल को पता लगा तेरी रानी नहीं अब्बा उन्हें तो सारी बस्ती लग रही पर ओदा कितने पता नहीं चल रहा ओ रावल नू कतल कर दिता ते कानून ते ओनू तीर रानी मैनू तेरे दिल का हाल बड़ा अच्छी तरह पता है पर इस वेले सांदल नू भड़कान दी नहीं समझान दी लोड़ है जानजो क्यों मैं हट गई ते ए रास्ता तेनू फांसी दे फंदे तक ले जाएगा रावल नु कतल करन तो बाद मैं हर फंदा हंस के कबूल कर लांगा जो ओहो तू समझता क्यों नहीं सांदल मैनू ना समझान जो तेनू पियो कतल होया एर पालन आला ए तोरे कतल ने मैनू पागल कर दिता है और मैं रावल दी लाश बगैर कफन तो दफन करन दी कसम खा दी है अगो जा बोल दे क्यों नहीं माँ क्यों क्यों कह गई है माफ कर पुत्र
हमेशा ही चुप हो जाए। सड़ी अपनी औलाद के जख्मों की मरम नहीं बन सकती। मैं जो भी तेन देखे तेरे च रब रूप ही नजर आया। तू जख्मों का मरम नहीं रूह का सुकून जरूर है मां। तेरी भुल है पुत्रा, मेरे सीने च भी दिल है, पत्थर नहीं, कसूरवार मैं नहीं, वो नशा है जिदा तू आदि हो चुका है। अज होश जा के अपना हक मंगे, कलेजे ठंड पै गई है। आ मेरे घर, मैं तेरे नशे का दोष दब लिया। सस्ती न देवा। हाँ हाँ भक्तो, तू चिड़की लग गई जा। आ मेरे नाल। हाँ जिंदगी पहली बारी प्यो बनिया तो आकर दिए किसी चंगी थां से लेके गया हो। रावल पुत्र चलता चलता क्यों रुक गया? अब्बा ए तू मैनू किथे ले आया? जिथे हुसन बावा खोल के अपने चाण वाले दा इंतजार करदा है। अंदर लंगो जी। की गल है हीरा भाई, आज इस कोठे दी रौनक उजड़ी उजड़ी पी लगदी। हुणी सावन भादो दे बदला वांगर वस पेगी। ए तुसी तशरीफ रखो। दा जा पुत्र। जरीना जरीना बेटी, मैं जानता सो रावल के साडा पुत्र हुसन की झलक वेखे तड़प उठेगा। नहीं अब्बा, हया दे पैरां च घुंघरू वेख के मैं नहीं, मेरी रूह तड़प उठी है। हया, ओ मासूम ते बहुत पहले दी मर चुकी है। मैं सुनिया है हया मर जाए ते इंसान भी मर जांदा है। कुछ लोग मर के भी हया ते दी कबर इच दफन हो जांदे ने, उन्हां नूं जिंदा लाशां कहंदे ने। लगता है तुसी पहली बारी आए हो। हाँ, हयाती दी ये पहली मेहरबानी मेरे बाप ने की थी। हाँ, किधरे बाप मेहरबान ने ते किधरे मां। लगता है औलाद विकाऊ माल होंदी है। ए मुजरा सुनाना आए ने जरीना भाई, तेरे दुख नहीं। दुख सुनने थे कौन आंदा ही मां, जे किसी ने नश्तर मार के कड़ी दी कड़ी औरत बनन ते मजबूर कर देता है, ते उस निश्तर दे जख्मा चो खून दे चंद कतरे टू लैन दे। मां बकवास बंद करनी। हीरा भाई चल। अब्बा मुजरा नहीं सुनूंगी। मुजरा कोठियां ते सुनिया जांदा है, असरतां दे मजारां ते नहीं। ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਾਵਲ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਬਰ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਜਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਲਾਸ਼ ਕਿਸੇ ਕਬਰ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੌਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਕੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ? ਮੌਤ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਮਜ਼ਾਕ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਹਯਾਤੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ ਰਾਵਲ। मरण लई तैयार हो जा। नहीं,
ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹੀਂ ਅੱਖੋ ਅੱਖਣੀ ਕਿਵੇਂ ਹਟ ਗਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਕੋਠੇ ਤੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਆਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਪੜ ਕੇ ਖਲਾਣ ਵਾਲੀ ਕੌਣ ਹੈ ਜੇ ਬਾਤ ਇਹਨ ਜੋਗੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਦੀ ਜੇ ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮਨਾ ਲੈਂਦੀ ਚੁੱਪ ਜਾ ਜਾ ਚੁੱਪ ਜਾ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਦਲ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਮੁੜ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਤਾਣਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜਰਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸੌ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰ ਸਾਜ਼ ਛੇੜਾਂ
से हो जा बा नहीं हो सकता, एक कदी भी नहीं हो सकता। ए, हो क्यों नहीं सकता? एक मुद्दत हो, ये हो चुकिया है। तेरे खून दा एक एक कतरा इंसानी जिंदगी लिए मौत बन चुका है। तेरिया रगा च दौड़न वाला खून इंसान दा नहीं, किसे मूजी जानवर दा खून ही। लेबोरेटरी रिपोर्ट दे मुताबिक इंसाना दी बस्ती च चलदा फिरदा तू एक जहरीला ना गई। तू किसे नु की जिंदगी देनी जेड़ा सिर तो लैके पैरा तिकर आप मौत है। मैं हैरान हूं, तैनू साडे मुआशरे च खुलम खुला रहन दी इजाजत कैने दे दित्ती? डॉक्टर, मैं हुक्म देना वा, जिड्डी छेती हो सकता है अस्पताल दी दूर तो बाहर निकल जा। अगर तेरी वजह नाल कोई हादसा हो गया तो अपनी मौत दा तू आप जिम्मेदार होवेगा। मैनू हर कीमत ते मरीजा दी जिंदगी चाहिए डॉक्टर। जे उहनू कुछ हो गया मैं सारा अस्पताल तहस नहस कर दियांगा। मैं कहना मैं, तू चला जा वरना मैं कानूनी कार्रवाई करने ते मजबूर हो जावांगा। मजबूर ते मैं हां डॉक्टर, जिन्हें तकदीर ने एक मूजी जानवर बना दिता है।
पर तू ते जानना है डॉक्टर, जानवरों ने इंसानी कदरों की कोई पछाण नहीं होती। मैं तेन हुक्म देना है डॉक्टर, मरीजा ले खून का बंदोबस्त कर दे। जे तू कोई गफलत वरती ते मेरे डंग का पहला निशाना तू होवेगा। ठीक है ठीक है, मैं उन्हें सारा इंतजाम करना। डॉक्टर डॉक्टर दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो डॉक्टर। मैं हूं चलना वहां। मैं तुम्हें कुछ कह के बुला भी नहीं सकती, क्योंकि मेरी जरूरत ना किसी का कोई रिश्ता नहीं होता। मैं तुम्हें को वास्ता दे के रोक भी नहीं सकती, समझ नहीं आती केड़ी अजमत दे के तुम्हारा शुक्रिया अदा करा। कोई रिश्ता ना होंगे भी तेरी आवाज सुन के कदम क्यों रुक गए ने? अरे अब कड़ी सांझ है जेरी पैरों की जंजीर बनती जा रही है। रब ना करे कि जंजीर कभी टूटे। मैं अमीन भी नहीं कह सकता, इसलिए कि मैं एक नचन वाली हाँ। मेरा तो कोई प्यू भरा भी नहीं होता, सारे मैनू गाली समझते हैं। लोग जो कुछ कह लेने उन्होंने कह तेरे को छाने दिल भी नहीं करता, पर की करा मजबूर हाँ। मैं अपने बाप की कबर से तीवा पालना जिन्हें सारे ने कतल कर दिता है। जे तीवा ना पालिया तो मेरा इंतकाम पुछ जाएगा। तुम तो जानना है बाबा मैं तेरा कातिल नहीं है। इस गल के यकीन दुआ ली कल मैं सारी बस्ती के सामने सांदल के कदम अपना सिर रख देंगा। सिर दे के दुश्मनी खत्म हो जाए ते मैं समझांगा ये सौदा महंगा नहीं। एदा मतलब है बाबे दा कातिल रावल नहीं कोई होर है। तेरे सामने खलोता है, वार क्यों नहीं करता सांदल? वार करन तो पहला दुश्मन को इस बारे जुर्म कराना मेरी आदत है। जिस जुर्म की सजा तू देना चाहना है वो जुर्म मैंने किया। मौत नु सामने वेख के झूठ क्यों बोलन लग पिया है? सच बोलन की जरूरत पैदा कर। जिंदगी का पहला सच बोलन तेरे सामने सिर सुट के आ गया वहां सांदल। तेरे हाथ च कोई हथियार भी होना तो मैं तेनू मार देना सी। ओए ऐ की कीते अंजो, मैं इस बेगैरत नू जिंदा नहीं छड़ांगा। मैं तेनू सिर्फ इना दस दिया सांदल के बेगैरत लोग कदे किसी की इज्जत नहीं बचाते। ए मेरे बाबे दा कातिल अंजो। नहीं नहीं नहीं, ए तेरे बाबे दा कातिल नहीं। तेनू एवे भुलेखा लगा सांदल, कातिल भी कदी मकतूल दी कबर ते दीवा बालन आंदे ने। जे तू समझने के ए तेरे बाबे दा कातिल है ते फिर एदे कोलो ए पुछ सांदल के ए बाबे दी कबर ते दीवा बालन क्यों आया सी, क्यों आया सी? ओदी कबर दी मिट्टी दी सौ खा के अपने बेगुनाह होण दा इकरार क्यों किया सी? मैं पुछनी हां
जे है कातिल है ते फिर परी बस्ती दे सामने अपना सिर देन क्यों आ गया क्यों? इन सवालों का जवाब मिल जाए ते तू रावल नू कातिल समझ के नहीं तो समझ के अपने सीने ना ला लवे ते तुसी दोवें मोढ़े नाल मोढ़ा जोड़ के असल कातिल दी शान रग तक पहुंच सको। रावल सागर वाह जब गले से मिल गए सारा गिला जाता रहा। वाह 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 ऐस खुशी के मौके पे मेरा दिल करता है मैं भी कुछ करा। तू भी करना चाहना चाचा? और मैं डांस नहीं करना चाहता पुत्र रावल पुत्र की दावत करना चाहना जिनने मेरी धी की इज्जत बचा के मेरे से बहुत बड़ा एहसान किया है। फर्ज नु एहसान नहीं समझीदा चाचा। कुछ भी हो पुत्र तू अज पिंडो बाहर नहीं जा सकता तू साडा मेहमान बन के रहेगा। जिवें तेरी मर्जी। सारी रात तेनू मैं जगावांगी अखलां दे अंगी
ਬਚਾਓ ਬਚਾਓ ਆ ਆ ਆ ਓਏ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਗਿੱਟੋ ਰਾਵਲ ਰਾਵਲ ਛੱਡ ਰਾਵਲ ਅੱਛ ਕਰ ਰਾਵਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਛੱਡ ਰਾਵਲ ਅੱਛਾ ਰਾਵਲ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੁਪਨਾ ਮੇਰੀ ਤੇ ਜਗਨ ਲੈ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਹੰਜੋ पता नहीं सवेर तक किन्ने को खूबसूरत सुपने देख रहे कि मेरी कंडी ना मल दे पुत्र मंजी कर दे वख यदि मंजी कर दे ला जा ला जा ला जा करना था बाबा कौन सपना नहीं हकीकत देखा समान चुक जीप च रखो है जावेद मम्मी तुसी बड़ी जल्दी पहचान लेंगे अपने दूध की खुशबू ते ममता नू हजार मिला तो आ जाती है तू तो हर वेले मेरे कोल रहे जावेद तू हाँ अम्मी जान मैं इंस्पेक्टर हो गई मुबारक हो बेटा मुबारक यह सब तुम्हारिया दुआ का नतीजा है अम्मी जान डैडी कितने यकीन अज उन्हें मुझे खुशी होगी तू इस पेशे की आंख या दन छू लवे तो मैनू कोई खुशी नहीं होगी मैं बहुत बड़े स्मगलर गिरफ्तार किया डैडी नुकसान मेरा ही किया की मतलब एवो ही ए तरक्की मेरे कारोबार कर दा ते मेरा सिर्फ अगला उच्चा ना होंदा मुल्क दुश्मनों को गिरफ्तार करने तो आड़ा सिर नीवा तो नहीं होया डैडी कदी कदी तुहाडी गुफ्तगु सुन के मैं ये सोचने ते मजबूर हो जाना जिवें तुसी अपने आप ते शराफत दा खोल चढ़ाया हो जावेद सॉरी डैडी मैं तो गलती हो गई जिस मासूम दे कदम तुर दे कुंगरा तक पहुंच गए ते रब दी सौ में सारा जग सार के सोल कर देंगा वे ए तेरी की लगदी है ए क्यों भूल गई है क्यों दिया रगे सांदल दा खून है ते ले फड़ अपनी खून दी कीमत ते इत्थों चला जा हाले तक सांदल दे खून दी कीमत अदा करण वाला कोई माई दा लाल पैदा नहीं होया एक मेरी गल होर कन खोल के सुन ले और मेरे मोड़े नाल किसे बाई दी थी नहीं सांदल दी बैंड खलोती है Thank you.
मुल्क दे बारे सोच रहे हैं कि बम किथे किथे फट रहे हैं। मेरी भोलिए धीए मैं वो सोच रहा जरा हर जवान धी का जो सोच है। उफ मैं इंज लगता जिमें सोच मैं कबर च ले जा। अल्लाह ना करे पर होया की है। जिन्हों धी दे के पुत्र बना का फैसला किया सुनिया बगैरत एक नचलवाणी कर लिया है। बगैरत ना आख सांदल वर्गे गैरतमंद पुत्र मावा कभी कभी जमदिया नहीं। उन्हें उस बाजार की एक मजबूर लाचार बेबस औरत को भैन बना के तकदीर बदल दी। हां बा तू भी दुआ कर कि उस बाजार के हर नचन वाले की तकदीर जरीना वर्गी हो। आमीन। सारिया दुआ मेरे लिए कर छड़नियां नहीं, कुछ अपने लिए भी मांग लै। जिन्हों तेरे जा गैरता वाला वीर मिल जाए उन्हें होर की चाहिए वीरा। कदी कदी यही लगता है जिमें तू मेरी मूह बोली भैन नहीं सखी भैन है। तेरा मुकदस चेहरा वेख के वो ज्यों ज्यों की याद आ जाती है। किदी गल कर रहे हैं वीरा? ऐसी एक नास हो गई जड़ी गल गल ते गल पै जाती सी। इन साल तो यह चाहिए है कि मैं अस्थी करण मना नहीं सकिया। कदी कदी तो मैनू इंज लगता है जिमें मैं अपना सब कुछ गवा बैठी हाँ, लभन की कोशिश करनी हाँ पर समझ नहीं आती कि लभ रही हाँ। तेरा मेरा दुख साझा सरीना, तेनू गुआचण वाले का कुछ पता नहीं ते मैं गुआचण वाले लभ नहीं सकता। लभन वाले तो रब न भी लभ लेंदे ने सांदल। तू इतने किस तरह? ये मेरी भैन है रावल। आफरी ने फरादे जड़ा नंगे सिर की चादर बन गया है यार। तू तो हर काम पहल करके साड़ा सिर नीवा कर देना है। ओ किस तरह? ऐस नमाणी तैन कह के सीने ना लाने जी करता है। तू फिक्र ना कर रावल, एदी टोली नू मोड़ा देने लग्या सब तो पहला तू आवेगा। तो फिर छेती नाले दे हाथ पीले कर दे यार। वो दिन किड़ा पागा वाला होगा जिस दिन ये टोली तोड़न लग्या असी हाथ जोड़ के ये सुखा दिया खैरा मंगा लिया। ये फाइल 20 साल से हमारे इदारे के लिए एक मुहिमा बनी हुई है जावेद। इस मुहिम को कई बार हल करने की कोशिश की गई लेकिन नाकामी हुई। ये फाइल किसी खतरनाक मुजरिम की तो नहीं सर? हाँ ये उस खतरनाक मुजरिम की जिसने इंस्पेक्टर और उसकी जवान बहन को बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया था और वो आज तक कानून की नजरों से रूपोश है। मैं ये फाइल तुम्हें इसलिए सौंप रहा हूँ कि इंसानियत के इस कातिल को गिरफ्तार करने में तुम दिन रात एक कर दोगे। मेरे ये दिन रात मेरा फर्ज है सर। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये मुजरिम अब ज्यादा देर कानून की नजरों से रूपोश नहीं रहेगा। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मैं एक जरूरी मीटिंग में जा रहा हूँ, इस फाइल का तुम अच्छी तरह मुताला कर लेना। बहुत बेहतर सर। ठीक कह रहे हैं मम्मी। एदा मतलब है तू फरिश्ता सीरत बाप तू मुजरिम समझ में? समझदा नहीं, सिर्फ शक दा इशार कीता है। एहो जे शक सुबे एक दिन बाप बेटे दे दरमियान नफरत दा पहाड़ खड़ा कर देंदे। जे हुन तेरी जबान तो उन्हां दे खिलाफ एक लफ्ज भी सुनिया ते फिर मैं मां नहीं जे दाऊद भी नजर आवांगी। मम्मी तुसीं तां मैं नाराज हो गए, पुत्र की परेशानी मां तो सिवा कौन दूर कर सकता है? तू कहना की चाहना है? बैठी दा सारन नल की वास्ता है। कौन सारन? जिदी शकल हो बहु डैडी नल मिलती है, जड़ा बहुत बड़ा मुजरिम ते कातिल है। एक अरसे तो कानून दिया नजर तो रुपोश है। जीत करता है
तेरी जबान ही खिंच लवां। जे तेरे डैडी की शक्ल किसी कातिल नाल मिलती है तो ये उन्हों का की कसूर है? बस्ती दे राखे जींदे ने तेरे जे बगैर इस बस्ती दा वार भी विंगा नहीं कर सकते। सुनिए तू कि हर रोज कोई ना कोई ड्रामा करती रहनी है और कोई सट पेट लग जानी तो फिर की हुंदा? तू तो एवें घबरा जाने अबा, ए छोटियां मोटियां सट्टा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकदी। आए मैं मर गई। मैं चट्टियां चट्टी पंजाब दी। क्यों रावल तेरा की ख्याल है? हाँ जो हीर भी तेरे वांगो जट्टी सी पर रांझे दे कोई वार ने उन्हें चित कर देता। मैं भी चित हो गई पर मेरा रांझा खाली सिकर नहीं होया। की भुलेखा पा गई अंजू? भुलेखियां का पीछा करने वाले बड़े छेती गवाच जाते ने वीरा। भुलेखा अंजू वांगू सोना होवे ते किस बेईमान का गवाचन उची नहीं करता। अंजू नूं इस गल का पता है? नहीं तो उदो दसेंगा जो कोई दूजा सिरे बन के आ जाएगा। जा छेती नाल जानू मेरी भाभी बना दे जा ना।
इंसानों की बस्ती च चलता फिरदा एक जहरीला नाग है। तू इंसान की बस्ती च चलता फिरदा एक जहरीला नाग है। एक जहरीला नाग है, जहरीला नाग है, जहरीला नाग है। बंद करो ये जुल्म नहीं, मेरी जिंदगी का सब तो बड़ा सुकून है। एदा मतलब एवे कि तू सपन दे जहर दे नशेदार दी। आहो एना मोजिया दे सहर ने मैनू भी सब बना दिता है। ते नहीं जिन्हों तकदीर ने पुत्र बना के मेरी झोली च पाया सी। मैं किसे दा कुछ नहीं लगता, मेरे कोई नहीं। जिस सालिम ने मेरे प्यो होने का दावा किया है वो ही मेरी जिंदगी नाल खेल गया है। तेरे प्यो दा ना सरदार जतेहाल ते नहीं। आहो उससे नु लपत्या लपत्या ते वी वरे हो गए ने। ओदे जुल्मां दा हिसाब चुकाण दा वेला आ गया है। तू शांत हो जा पुत्र, तेरे जिस्म च सप्पां दा सारा जहर कट के मैं तैनू इंसान बनावांगा।
रख पुत्र नागां दा बादशाह ते उहदे मदीन बाकी रहे जद उन्हां ने आके तैनू डंग मार दिता तेरे जिस्म दा सारा जहर मुक जाएगा। मालू मेरी मौत बन के जिस हक से तू सब लड़ाया सी ओ हक मैं अपने वजूद तो वक कर देता सी। ओए आज मैं तेरा वजूद ते तेरे सा हमेशा ले वको वक कर देंगा मालू। ऐ दे जुसे जो जहर कट लें दे रख दी सौ तेरे सारे चौ पूरे कर देंगा। ओ मालू एक कभी नहीं हो सकता। कुछ नहीं लगता पुत्र है तो मैं निक्या होंदिया गड्डी दी लैन कोल सड़क ते बेहोश पिया होया मिलिया से तू कौन मैं भी नहीं जानदा ते मैं भी नहीं जानता कि मैं कौन हूं। मोटी नूं पूरी तरह घेरे च लै लवो। ए तो की कह रहे हैं जावेद? ए जावेद नूं उहदा फर्ज कह रहे हैं मिजान। सारंग किथे वे? सारंग कौन सारंग? तोड़ा शहर ते बदनसीब पुत्र दा मुझे मिलो। जावेद तू मेरे मजाजी खुदा ते शक कीता है। काश वो इज्जत के काबिल होंदे। तोड़ा मजाजी खुदा वो सारंग अमीजान जिन्हें 20 साल पहले एक पुलिस ऑफिसर दे खानदान नू अपने जुल्म दा निशाना बनाया सी जड़ा अज तक रूप बदल के तुहानू मैनू ते दुनिया वालियां नू धोखा देंदा रहा है। जावेद तुसां थप्पड़ मार के अपना हक अदा करता है मिजान ते मैं सारंग नू उहदे अंजाम तक पहुंचा के अपना हक अदा करांगा। सरताज
नहीं तो खूनी तालाब सुट के हड्डिया का ढांचा बना देगा। कमदार होए, किसी ने गोली चलाने की जरूरत की थी तो जिब्रान मेरे जबर का शिकार हो जाएगा। जिब्रान तू मक्का जरूर है पर शैतान नहीं। सर तुहाडा असली रूप? हाँ मेरा असली रूप सारंग का रूप, ओ मेरी मजबूरी सी। शेख दाऊद का रूप इसलिए बटाना पड़ा कि माशरे के अमीर कबीर के सरमायेदार कानून के बाजू होंगे। कानून की बुक्कल लुक के हर मुजरिम मनमानिया कर सकता है पर जदों कानून मुजरिम दे कार जन्म लेके परवान चढ़े तो फिर मुजरिम लई अपना नकली रूप छुपाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। तेरा पुत्र जवेद मैनू बेनकाब करना चाहता है इसलिए अज मैं शेख दाऊद नू हमेशा हमेशा लई दफन कर दिता है। तुसे पासी ग्रां की बस्ती का कब्जा लैण लई तैयार हो जाओ। फिर सोच लो नहीं तो मलबे दे तेरी चो
लाशा कटन वाला भी नहीं रह देगा। असी जो सपना भी सोच चुके हैं, तुसी अगे वधो। हुण ते शर्म कर बेगैरता। ओए कुचल दियो। मशीनों काल के पानी कर देंगा। ओए लोहारा, लोहा गल जाए ते लावा बन जाता है सांदल दे बच्चे। ओए लावा मिट्टी दे तो दिया चो नहीं, आप ते इस पिशाच चो निकल दे। आशिक हो गई ने। Thank you.
गुड। कल टिकर बस्ती दे चप्पे चप्पे दे ताड़ा कब्जा सी, आज तड़े सारे दे सामा ते मेरा कब्जा है, मेरा सेठ। मैं सेठ नहीं, सारंग आ सारंग। किसे पुराने जुल्म की फरियाद लगाए? फरियाद नहीं है, इंतकाम। हर इंतकाम का मैं इबरतनाक अंजाम हूं, अपना अंजाम देखने नहीं तैयार हो जाओ। जिब्रान। यस सर। बस्ती दे बच्चियां नू धरती मां तो कुर्बान होने का बड़ा ही शौक, उन्हां दे शौक पूरा कर दियो। ओए गंदगी दे इना जरासीमा ते पेट्रोल छिड़के आग ला दियो। धरती कंब जाएगी, अगला दो जावेद। जावेद नहीं, इंस्पेक्टर जावेद अक्षेत। चेक नहीं, इस वेले तेरे सामने जुर्मा दा पाछा खलोता होया है। कानून बन के सामने आया, ये खून दी पहचान भूल जावांगा। कौन दे हर रिश्ते नु खुल के वर्दी तन ते सजाई जांदी है सारंग। मैं तेनु रुक देना, अपने आप नु कानून दे हवाले कर दे। कानून नाल जुद पाना मेरी पुरानी आदत, ये आदत सिर्फ मौत आली जांदी है। फोन भर ले, तैयार हो जा। Yeah.
जिंदगी का हर रहा बंद हो जाता है सारण मरण तैयार हो जाए कुत्ता पागल हो जाए योदी मौत अटल हो जाती है सारंग कुछ ना कमी रावल ए मेरा अंबुजल में ए मेरे प्यू इंस्पेक्टर परवेश खान का कतले मेरा प्रामर ते मेरी पेन रूबी मेरे को खोइए तेरे साढ़े दो वादा सांझा दुश्मन है इस बारे चिरो मैं करंगा रावल मैं रावल नहीं तेरा बिछड़िया भरा आमिर आसिफ मेरा भरा आहो ते ए नुमाड़ी जरीना नहीं साड़ी भैन रूबी है रूबी ठाक सजना